वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग आमवाद के बारे में, कल लास्ट लेक्चर में हम लोग आमवाद के बारे में थोड़ा वर्णन देखे थे कि आमवाद क्या व्याधि रहता है, और उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किया था। अब हम आमवाद के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो उसमें संप्राप्ति देखेंगे कि आमवाद की संप्राप्ति कैसे होती है और इसमें हमें किस तरह से विचार करना चाहिए। आमवाद के संप्राप्ति समझना और जानना और एनालिसिस करना, और उसके बाद में पेशेंट देखना, पेशेंट में ऑब्जर्वेशन करके एनालिसिस करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो हम लोग यही जो बताया है माधव निदान में आमवाद के बारे में बताया है वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसा बताया है कि वायुना प्रेरितो यामः श्लेष्म स्थानं प्रधावति तेनात्यर्थं विदग्धो असौ धमनिः प्रतिपद्यते वात पित्त कफेर भूवो दूषितसो अन्न जो रसः स्रोतांश्रभ्य संध्यन्ति नाना वर्णोति पिच्छिलः जनत्याशु दौर्बल्यं गौरवं हृदयस्य च व्याधि नामाश्रयो हेष हा आम संज्ञोति दारुणः युगपत कुपितावंत स्त्रिक संधि प्रवेशको स्तब्धं च गुरुते गात्रं आमवातः स उच्यते। यह जो वर्णन है, ये संप्राप्ति है कि इस तरह से संप्राप्ति होती है, दोष दुष्य समूर्छना होती है, जहाँ पर ख व गुण्यता आता है वहाँ पर ये संप्राप्ति हो जाती है। ये वर्णन जो है ये माधव निदान में बहुत बढ़िया से बताया है। इसी को मैं बता रहा हूँ कि जब वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है और दूसरा आमोत्पत्ति होती है, ये दो चीज़ें हो रही है, आम की उत्पत्ति हो रही है बहुत ज़्यादा, अग्निमंदता है और वायु का प्रकोप भी हो रहा है, और यह साथ साथ में होता है, ऐसा नहीं है युगपत, ऐसा जब बोलते हैं कि साथ में ये हो रहा है, तो प्रकुपित वायु जो है वो आम के साथ मिल जाता है और आम वायु के साथ मिल जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि यह आम जो है 10 धमनियों के साथ मिक्स होके 10 धमनियों द्वारा पूरे शरीर में विक्षेपित किया जाता है, पूरे शरीर में संचार करता है, और यह आम जो है वो श्लेष्म स्थान में चला जाता है। अब श्लेष्मा का स्थान कहाँ है, तो अवलंबक कफ हृदय में रहता है, तर्पक कफ मस्तिष्क में रहता है, सिर में रहता है, बोधक कफ है वह जिह्वा में रहता है, श्लेष्मा कफ है वह संधियों में रहता है। तो ये जहां जहां, और क्लेदक कफ कहाँ रहता है, तो आमाशय में रहता है। तो जहां जहां आम है वहां वहां वह जहां जहां कफ का स्थान है वहां वहां ये चला जाता है, और यहाँ श्लेष्म स्थान के उससे आमाशय को देखना चाहिए, सारे संधियों को देखना चाहिए, सिर प्रदेश में देखना चाहिए, कंठ में देखना चाहिए, कंठ में भी कफ का स्थान रहता है, उर स्थान ऐसा जो है वहां पे कफ रहता है, फिर उर प्रदेश कंठ ये सब अपेक्षित है, यहाँ पर वो चला जाता है। धमनी में बहते समय जो ये साम वायु है, आम युक्त वायु है, अगर वह स्थान संशय करके वहां पे बैठ जाती है, लीनावस्था में प्राप्त होती है, तो ये व्याधि हो जाती है आमवाद, और साम वायु है वो तो सर्कुलेट होती रह रही है। तो इसी के वजह से क्या होता है कि वहां पे जो तटस्थ दोष जो रहते हैं उनको और ज्यादा दुष्ट करती है, वहां पे स्थानिक जो दुष्टि होती है उसको वो और ज्यादा दूषित करती है, और इसीलिए आम को अलग अलग वर्ण प्राप्त हो जाते हैं, यह बहुत ज्यादा अति पिच्छिल होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा चिपचिपा ऐसा रहता है, और यह चिपचिपाहट की वजह से क्या होता है कि जो भी कार्य है, ब्लड सर्कुलेशन, रस का सर्कुलेशन, रक्त का सर्कुलेशन, मांस का सर्कुलेशन, सारे स्रोतों को अवरुद्ध कर रहे हैं, यह ऐसा आम है। और फिर ये क्या करता है कि पूरे शरीर में अनेक स्रोतों में क्लेद की उत्पत्ति करता है, क्योंकि एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, मतलब ये आम जो है इसको पानी चाहिए, कीचड़ कीचड़ बनाना है, तो जितना भी इंसान को प्यास लगती है तो सब वो आम उत्पन्न हो रहा है, अग्निमंदता है, और वो क्लेद उत्पन्न बहुत ज्यादा, क्लेद के साथ रहने वाला ये आम है। एक तरह से ऐसा सोचे कि कीचड़ होता है, जब बारिश का मौसम होता है तो कीचड़ में सब जगह मिट्टी मिट्टी और कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो रोड भी गंदा हो जाता है हमारा, और वो कीचड़ कीचड़ इतना ज्यादा गंदा करता है। अभी तो कंक्रीट के रोड बना दिए गए हैं भारत सरकार ने, लेकिन ऐसा कल्पना करिए कि कुछ साल पहले जब रोड वगैरह नहीं था तो कितना कीचड़ हो जाता था, सब जगह रोड पे, सब जगह गलियों में, सब कीचड़ कीचड़ हो जाता था। तो ये कीचड़ की तरह ही आम जो है वह बहुत ज्यादा शरीर में क्लेद उत्पन्न करता है और बहुत ज्यादा गंदा करता है, पूरा शरीर को, सारे स्रोतों को गंदा करता है। इसी वजह से फिर क्या होता है कि जो नरिशमेंट मिलना चाहिए धातुओं को, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसका नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, और इसी वजह से दुर्बलता आ जाती है, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, हृदय प्रदेश में गुरुता आती है, गौरव ऐसे सिम्टम मिलने लगते हैं, और ये प्रकुपित वायु और आम जो है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि कोष्ठ में, संधियों में और तृक्क प्रदेश में, सेक्रल प्रदेश में वो जाके विकृति उत्पन्न करते हैं।
तो पेशेंट को नेत्रिक प्रदेश में पूरा ऐसा लगता है कि जकड़ गया है, कोष्ठ में भी एकदम ऐसा लगता है जड़ता आ गई है, संधियों में भी जड़ता आ गई है, तो शूल भी होता है, शोथ भी होता है, जड़ता ऐसा फील होने लगता है, पूरा शरीर जकड़ जाता है। इसलिए इसको आम बात, इसका टिपिकल सिम्टम हमें समझना चाहिए। जितना दोष रोगोत्पत्ति में दोष प्रकोपक कारण रहते हैं, उतना ही आम का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आम बात में आम और बात, ये दो शब्द से ये बताया है। उसी तरह से आम जो रहता है ना, यह केवल आम बात व्याधि ही नहीं कर रहा है, वो हर व्याधि में, जैसे उदर व्याधि आप लोग देखिए, जलोदर रहता है, वातोदर रहता है, सभी, फिर विसर्प रहता है, रक्त पित्त रहता है, ज्वर रहता है, फिर कुष्ठ व्याधि रहता है, सभी में आम रहता है। लेकिन ये आम जो रहता है वो कौन कौन से जगह पे कहाँ जा रहा है, स्थान संचय कर रहा है, उससे वो व्याधि बन जाती है। मतलब अगर जैसे त्वचा रक्त मांसलसी का इसमें अगर जा रहा है तो वह विसर्प और कुष्ठ रोग करेगा। अगर रक्त और पित्त में जा रहा है और वहां पे रक्त व स्त्रोतस को अवरुद्ध कर रहा है तो रक्त पित्त बन जाएगा। इसी तरह से जो दस दूषित बताए प्रमेह के, रस मांस क्लेद, फिर उसके बाद लसी का, ओज शुक्र, ये जो 10 बताए हैं इसमें अगर चला जाता है हम, तो वह 10 दूषियों को दूषित करके और वहां पर उदक व स्त्रोतस को अवरुद्ध कर देता है, मूत्र व स्त्रोतस को अवरुद्ध कर देता है, अन्न व स्त्रोतस को अवरुद्ध कर देता है, और इसकी वजह से पूरा ये प्रमेह ऐसी व्याधि होती है और प्रभुता विल मूत्रता ऐसा सिम्टम आने लगता है। इसी तरह से वातरक्त में भी आम के वजह से ही वायु का और रक्त का आवरण जन्य संप्राप्ति हो जाती है और यह वातरक्त हो जाता है। तो जहां जहां जो जो स्रोतों में जाके ये आम जा रहा है उसके साथ में और दूसरे दोष मिल रहे हैं, जैसे वात या पित्त मिल रहे हैं उस, और जो स्रोतों में स्थान संशय कर रहे हैं उससे वो व्याधि बन जाती है। यही आम जो है, या अगर योनि भाग में चला गया पूरा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला गया, तो वहां पर फाइब्रॉइड कर देगा, सिस्ट कर देगा, फिर उसके बाद में अनार्तवता कर देगा, इनफर्टिलिटी, बंध्या योनि या योनि व्यापत कर देगा, या आम जहां जहां जाएगा वहां वहां पर ये गड़बड़ ही करता है। तो इसीलिए ना इसको समझना बहुत जरूरी है, और आम के सिवाय कोई भी रोग ही नहीं हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ, सभी रोग जो होते हैं वो मंद अग्नि की वजह से होते हैं। इंसान अगर जन्म लिया है तो वो तो खाएगा ही, अगर वो खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। तो अगर अग्नि जो है वह अगर मंद है तो फिर अन्न जो खाया पिया है वो पचेगा ही नहीं, अन्न पचेगा नहीं तो फिर उसके बाद में सारा ये व्याधि हो जाता है। मॉडर्न साइंस में कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, फिर वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का चिकित्सा करते हैं। तो मॉडर्न साइंस का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद जो है वो अग्नि पे ध्यान देता है, आयुर्वेद जो है वो स्त्रोतस पे ध्यान देता है, दोष धातु मल पे ध्यान देता है, और उस हिसाब से चिकित्सा करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से सुश्रुताचार्य जी ने आम के बारे में क्या बताया है, तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में 36 नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या बताया है कि यत्रस्तमामं विरुजेत मेवं देशं विशेषण विकार जाते ही दोषेन यतावततम शरीरम तल्लक्षण नाम समुद्भवेश्चा। इसका मतलब यह है कि यह अपाचित आहार रस ही है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है और वही पूरा शरीर में विकार उत्पन्न कर रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है, समूलम सर्व रोगाणम, यही मूल है सभी रोगों का, जो आम है वही सबसे है। आम का मतलब है अपाचित, जो आहार रस है उसको आम बोलते हैं। आम का स्वरूप वर्णन करते समय माधव निदान कानन ने आमवाद की टीका में, जो विजय रक्षित जी हैं उन्होंने क्या बताया है, आमवाद का जो माधव निदान में टीका है उसमें क्या बता रहे हैं कि अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम बहुपिच्छलम सर्वम सर्वगात्राणाम आममित्यभिधीयते। मतलब ये अविपक्व रहता है, कच्चा कच्चा रहता है, पूरा पका हुआ आहार रस नहीं रहता है, असंयुक्तम वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जुड़े हुए नहीं रहते हैं, बिखरे बिखरे रहते हैं, दुर्गंधम बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्त रहता है, बहुपिच्छलम चिपचिपा चिपचिपापन बहुत ज्यादा रहता है, पिच्छलता बहुत ज्यादा रहती है, सदनम सर्वगात्राणम पूरा शरीर में जकड़ाहट पैदा कर देता है, अंग साध कर देता है, और यही आम इत्यभि धीयते, इसका आम संज्ञा प्राप्त हो जाता है। आमवाद जो रहता है ना, यह ज्यादातर 10 धमनियों में परिभ्रमण करते हुए, यह आमवाद व्याधि जो है इसमें अगर हम लोग देखें तो यह इसमें ना शिफ्टिंग पेन रहता है, क्योंकि सामवायु एक जगह तो वो व्याधि रहेगा ही, संधियों में जाके बैठे गए, लेकिन सामवायु सर्कुलेट भी हो रहा है, तो इसीलिए कभी बड़ा संधि जो
कमर का संधि ऐक्त्रिक संधि में हो जाएगा, कभी जानु संधि में हो जाएगा, कभी गुल्फ संधि में हो जाएगा, शिफ्टिंग करते रहता है। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गुल्फ संधि में चला गया, जानु संधि में चला गया, तो पहले वाला जो पेन था उसका सिवियरिटी कम होगा, लेकिन वहां पर तो वो रहेगा ही, स्थान संशय कर दिया है। सामवायु सर्कुलेट होती है, आम्बा तो उधर का उधर ही रहता है। तो इसमें मणिबंध संधि जो है, जो रिस्ट ज्वाइंट है यहाँ पर हो सकता है, कुरपर संधि है वहां पर एल्बो ज्वाइंट में हो सकता है, अंश संधि में हो सकता है, फिर जो ये क्लेविकल का एरिया है वहां पर हो सकता है, गुल्फ संधि में हो सकता है, जानु संधि में हो सकता है, वंक्षण संधि में होता है, पितृक संधि में, इन सब में विकृति दिखाई देती है। अब भले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्वेलिंग आया, लॉक हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ आ गया, फिर ऊपर आ गया, ये शोथ हो रहा है, लेकिन अगर वो शिफ्ट भी यहाँ पर भी हो गया है सामवायु, लेकिन पेन यहाँ अगर है तो वहां तो वह रहेगा। जितना स्थान संशय का व्यापकता है वह तो उतना करेगा ही। अब आमवात अगर होने वाला है तो पूर्व रूप क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमवात में शुरुआत से ही ज्वर होता है। ज्वर की संप्राप्ति अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले दोष प्रकोपक आहार विहार का सेवन करते हैं तो उसके वजह से आम उत्पत्ति होती है, अग्निमान्द्य हो जाता है, अग्नि को उपहत करते हैं सारे दोष और उसके वजह से अग्निमान्द्यता हो जाता है और अग्निमान्द्यता की वजह से आम उत्पन्न हो जाता है और रसवा और स्वेदवा स्रोतस का अवरोध होता है। अवरोध होने की वजह से जो पक्ति स्थान में अग्नि है उसका जो हीट है वो विमार्गमन करके कोष्ठ से शाखा में चली जाती है और उसकी वजह से हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो हर आमवात का जो रोगी रहता है उसको शुरुआत में पूर्व रूपावस्था में ज्वर होता ही होता है। आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं आमवात के लेके तो आप उनका जरूर हिस्ट्री टेकिंग करिए और उसमें देखिए कि उनको उनको पहले आमवात हुआ, उनको पहले ज्वर हुआ था, भले वो मलेरियल फीवर हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, मतलब किसी ना किसी तरह से फीवर का हिस्ट्री है। और एलोपैथी की दवाइयाँ लेके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलोपैथी की दवाइयाँ गलत हैं, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है जो है कि आम को पचन नहीं करना है, केवल एंटीपायरेटिक रहती है, मतलब वो वैसोडायलेटेशन करके पसीना निकाल देती है और उसके वजह से फिर फीवर उतर जाता है, वो रिसेप्टर पे काम करती है सारी दवाइयाँ, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर पेशेंट को बोला जाता है कि वीकनेस आ रही है तो बहुत कुछ खाओ पियो, इतना हाई है प्रोटीन डाइट खिलाया जाता है, उसकी वजह से कभी कभी बार बार फीवर आता है। और आम वैसे का वैसे ही रहता है, स्रोत शुद्ध नहीं होते हैं, जब तक स्रोत शुद्ध नहीं होंगे वह व्याधि वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा और फिर वो क्या होगा, आम जो है भले फीवर नहीं आ रहा है, फीवर को सप्रेस किया जा रहा है जो भी है, जैसे क्रोसिन या पैरासिटामोल ऐसी दवाइयों से सप्रेस किया जा रहा है, लेकिन वो व्याधि जो रहती है आम आम रूपी जो व्याधि है, व्याधि अभी नहीं हुई है, वह आम जो है वह हेतु है, वह जाके क्या करता है कि संधियों में चला जाता है और आमवात जन्य संप्राप्ति करके और आमवात कर देता है, या फिर वो स्किन में चला गया तो कुष्ठ व्याधि कर देगा, अगर वो प्राणवायु स्रोतस में चला गया तो वहां पे श्वास कष्ट कर देगा, प्रतिक्षय कर देगा, अगर वो त्वचा रक्त मांस लसिका में चला गया आम तो वहां पे कुष्ठ व्याधि करेगा, विसर्प व्याधि करेगा, अगर वो छोटी छोटी संधियों में चला गया और वायु और रक्त को प्रकुपित करने वाले आहार विहार का सेवन किया गया तो वातरक्त जैसी बड़ी बीमारी कर सकता है, उसी तरह से पूरा शरीर में फैल गया तो शोथ कर सकता है, पांडु रोग कर सकता है, हर तरह की राजयक्षमा कर सकता है जिसमें सभी धातु अग्नि मंद कर सकता है। तो ये पावरफुल है इतना, मतलब ये निगेटिव इतनी एक तरह से विष द्रव्य है जो शरीर में बहुत सारे सारा अपना सिस्टम को गड़बड़ा सकती है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। और आम जो है इसको एक तरह से टेररिस्ट समझना चाहिए, जैसे कि आतंकवादी आते हैं तो पाकिस्तान उसको ट्रेनिंग देता है, मतलब ट्रेनिंग कैंप रहते हैं आतंकवादियों को, और ये आतंकवादी जो आते हैं वो पूरा कहीं बॉम्बस्फोट कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो वह पूरा जो सिस्टम है उसको बिगाड़ने का कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से आम जो है ये एक टेररिस्ट है और इसका इलाज यही है कि अग्निमान्द्यता को ठीक करें, अग्नि को दीपन करें, आम का पचन करें, जिस तरह से हमारा जो CISF का जो जवान रहते हैं या फिर मतलब ये बहुत सारे पुलिस रहते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं, या फिर बॉर्डर पे आर्मी एयरफोर्स नेवी रहता है, ये क्या करते हैं कि टेररिस्ट को मारने का काम करते हैं, उसी तरह से आम को पचाने का काम हम लोग करते हैं कि आम पच जाएगा तो सारी व्याधि अपने आप ठीक हो जाएगी। इसलिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसे रहता है कि दीपन पाचन अनुलोमन, दीपन करना है तो अग्नि को प्रदीप्त करना है, आम का पचन करना है, वायु का अनुलोमन करना है, इस तरह से जब हम लोग चिकित्सा करते हैं तो एक टेररिस्ट रूपी जो अंदर ही अंदर उत्पन्न हो गया है अपने ही मिथ्याहार विहार करने की वजह से, उसका अगर शमन हो जाता है तो व्याधि अपने आप ठीक हो जाती है।
तो इसीलिए आमवत में ज्वर यह एक पूर्व रूप रहता है, उसी तरह से तीक्ष्ण वेगी ज्वर मतलब बहुत तेज बुखार आने लगता है, अंग गौरव होता है, पूरा बॉडी में गुरुता आती हैवीनेस आता है, संधियों में अटकाव, संधियां जो रहती है वो मोड़ नहीं पाती है, जो एक्सटेंशन फ्लेक्शन फिर इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन फिर ये अबडक्शन अडक्शन ये सारा चीज नहीं हो पाता है, ये शुरुआत हो जाता है। और हमेशा आमवाद की शुरुआत जो होती है वह ज्वर से ही होती है, ऐसे आचार्य लोग आप्त वचन है उसमें जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। अब इसके सामान्य लक्षण क्या बताए हैं माधव निदानकर जो है माधव मिश्रा जी, इन्होंने आमवाद के सारे सिम्टम्स अच्छे से लिखे हैं। सामवायु के बारे में उतना अच्छे से चरकाचार्य जी ने नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने बहुत लिखा है, क्योंकि जब मध्यकालीन भारत में जब ये व्याधि बहुत ज्यादा व्यापक रूप से फैल गया तो माधव निदानकर जो थे उनको ये सही लगा कि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से लिखूं ताकि लोगों को वैद्य लोगों को समझ आए कि ये व्याधि क्या होती है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि अंग मर्दो अर्चुस तृष्णा ह्या लस्यम गौरवम ज्वर अपाक शून्यता अंगानाम आमवातस्य लक्षणम सकष्ट सर्व रोगाणाम यदा प्रकुपितो भवेत हस्तपाद शिरो गुल्फ त्रिक जानुरु संधिशु करोति सरुजम शोथम यत्र दोषा प्रपद्यते सादेशो रुजत्यत्यर्थम व्याविदेव वृक्षकैः जन्यतस्व अग्नि दौर्बल्यम प्रसिका रुचि गौरवम उत्साहनिम वैरस्यम दाहम च बहुमूत्रताम कुक्षौ कठिनताम शूलम तथा निद्रा विपर्यम तृढ़ चर्दे भ्रम मूर्छाश्च हृदयम विडबद्धताम जाड़े अंतर कुजन माना हम कष्टान्याश्चानुपद्रवान। इतना बढ़िया बताया। आप लोग को याद है 2008 में जब टेररिस्ट अटैक मुंबई में हुआ था, तो जब ये जो बहुत सारे टेररिस्ट लोग आ गए थे पाकिस्तान से, और फिर उसके वजह से अजमल कसाब और बहुत उनकी टीम जब आ गई थी पाकिस्तान से बोट के रास्ते आ गए थे, और उसके बाद में वो मुंबई शहर में प्रवेशित हो गए और CST में बम स्पॉट किया, बहुत सारे लोगों को मारने लगे। उसके बाद में JJ हॉस्पिटल हॉस्पिटल में गए वो लोग, फिर उन लोगों ने कितना उपद्रव मचाया था, वो रात पूरा भारत ऐसे सोया नहीं था कि इतना टेररिस्ट अटैक हो गया कितने लोग मारे जाएंगे। उसी तरह से आम वात व्याधि है, यह भी बहुत ज्यादा उपद्रव उत्पन्न करता है। इसकी वजह से क्या क्या होता है, आप बस एक टेररिस्ट सोचिए और शरीर में अटैक हो गया है। टेररिस्ट कहाँ से है, तो अपने ही अग्निमंद होने की वजह से उत्पन्न हो गए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अंग मर्दो अर्चुस तृष्णा, पूरा बॉडी में बॉडी एक होने लगता है, मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा शरीर में दर्द होने लगता है, एक एक अंग प्रत्यंग में दर्द होने लगता है, क्योंकि आम जो है जिस तरह से टेररिस्ट ने मुंबई को पूरा ये डरा दिया था, पूरी रात भर लोग डरे हुए थे कि अब क्या होगा अब क्या होगा, उसी तरह से अंग मर्द होने लगता है, अरुचि होने लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता है क्योंकि आम इतना ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। फिर क्योंकि यह पाचक संस्थान पे भी डिस्टरबेंस कर रहा है, रसव स्त्रोतस में भी डिस्टरबेंस कर रहा है, रस अगर नहीं मिलेगा तो बॉडी को जो चाहिए नरिशमेंट वो नहीं मिलेगा, तो बॉडी एक होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो रहा है, और एक एक आर्टरीज और कैपिलरीज में वायु जो है सामवायु वो पेन करता है प्रेशर करता है। आप लोग ऐसा सोचिए कि हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि एयर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो हमेशा रैंडमली घूमते रहते हैं, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। अब ये वायु जो है प्राकृत अवस्था में पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना ही चाहिए हमारे शरीर की क्रियाओं को करने के लिए, अगर आम ने पूरा रास्ता को रोक दिया है, भले उसको सामवायु प्रोत्साहन दे रही है उसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो नॉर्मल वायु का मॉलिक्यूल्स है वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करता है कि बॉडी के वॉल्स पे प्रेशर करता है कि मुझे जाने दो मुझे जाने दो, ढिशुम 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 करता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि एक एक अंग में मर्दन मर्दन करने की तरह पीड़ा होने लगती है, क्योंकि तो वायु को निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा बहुत ज्यादा ढिशुम ढिशुम करेगा, तो एक एक बॉडी के एक एक पार्ट में दर्द होने लगता है। उसी तरह से जीवा में उसका ये होता है आम संचित होती है, तो वहां पर भी बोधक कफ का कार्य नहीं हो पाता है, तो अरुचि उत्पन्न हो जाती है, क्लेदक कफ का कार्य नहीं हो पाता है, पाचक पित्त का काम नहीं हो पा जाता है, तो इसीलिए अरुचि ऐसा सिम्टम आने लगता है। फिर तृष्णा, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इंसान बहुत ज्यादा पानी पिएगा बहुत ज्यादा यूरिनेशन करेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, वो आम जो है वो पानी को खींचता है बहुत ज्यादा, पूरा पानी को खींच के कीचड़ कीचड़ कर रहा है, क्योंकि उसको और फैलना है, जिस तरह से चाइना है, चाइना को क्या है कि चाइना को ये ताइवान को भी हड़पना है, जापान के जितने द्वीप है उसको भी हड़पना है, चाइना को इंडिया का भी अरुणाचल प्रदेश पूरा चाहिए, चाइना को पूरा जम्मू कश्मीर चाहिए, चाइना को पाकिस्तान भी चाहिए, चाइना को मंगोलिया भी चाहिए, चाइना
चाइना को रशिया के भी पार्ट चाहिए, मतलब विस्तारवादी नीति है ना, उसी तरह से जो आम है ये एक टेररिस्ट है चाइना की तरह है, इसका जो सोच है ना बहुत ही बेकार है, ये सब जगह व्याप्त होना चाहता है, तो इसको व्याप्त होने के लिए पानी चाहिए, पानी जितना वो डिमांड करे उतना प्यास लगती है, बहुत ज्यादा पानी पानी क्लेद 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 चाहिए। उसी तरह से मैं आप लोगों को इसलिए एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि चाइना की विस्तारवादी नीति है कि मुझे और ज्यादा बढ़ना है, और ज्यादा मुझे पावरफुल बनना है, इसी तरह से आम भी है वो व्याधि उत्पन्न कर रहा है तो वो पानी को एब्जर्व करके विस्तारवादी नीति ऐसा अपनाता है। उसी तरह से ह्यालस्यम, आलस्य बहुत ज्यादा आ जाता है, ही आलस्यम मतलब जब वो सर्कुलेशन ही नहीं हो पाएगा ब्लड का तो कोई भी काम में लिथार्जी फीलिंग होगा, बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि लेजीनेस बहुत ज्यादा आ रहा है, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट बताते हैं कि सर हम जब सुबह उठते हैं ना तो हमें कम से कम 1 घंटा लगता है अपने ज्वाइंट्स को खोलने के लिए, हमें स्टेबल होने के लिए, इतना ज्यादा पेन होता है, जकड़न होता है, इतना ज्यादा बॉडी एक होता है, हम भले हम पेन किलर ले रहे हैं लेकिन हम ऐसे पूरा खोल नहीं पाते हैं। मेरे पास तो कुछ कुछ ऐसे पेशेंट है जिनको आमवाद इतना ज्यादा था कि उनको ऐसे पट्टी, एक एक उंगली पे ऐसे पट्टी बनना पड़ रहा था, इतना ज्यादा सीवियर पेन था, और उसके बाद में पेन किलर भी चल रहा था, और एलोपैथी में तो इसका इलाज है ही नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज बोल दिया जाता है, आम जाके सारे ज्वाइंट्स में जाके इन्फ्लेमेटरी चेंजेस करता है, इतना बेकार ये बीमारी है। वही चाइना का नीति है कि विस्तारवादी नीति, सारे ज्वाइंट्स को डैमेज करना है, वहां जाके बैठ जाना है और डैमेज करना है। इसी तरह से गुरुता आती है, पूरे बॉडी में हैवीनेस लगता है, जैसे कि हम लोगों ने आज सुबह पढ़ा था अष्टांग हृदय में कि जब हम लोग पेया का पान कराते हैं, लंघन कराते हैं, फिर पेया का पान कराते हैं तो शरीर में क्या होता है, लघुता उत्पन्न होता है, भूख लगता है, प्यास लगता है, प्यास लगना एक प्राकृत रूप से प्यास लगना, यहाँ पर प्यास लग रहा है वह विकृत रूप से तृष्णा लग रही है, यहाँ पर प्यास लग रही है तो वो आम को बढ़ा रहा है, वो और भी शरीर के सारे जो अवयव है उसमें जाके आम जाएगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, और एक प्यास जो रहता है वह नॉर्मल प्यास लगता है जिसमें स्रोत शुद्ध हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि शुद्ध तृढ़ ऐसा जो बताया, भूख लगने लगता है, हल्कापन लगने लगता है, लघुता आती है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, गुरुता आ रही है, बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रहा है, अंगमर्द हो रहा है। उसी तरह से अपाकह, खाया पिया पचता ही नहीं है, पेट में रहता है, कुछ कुछ लोग रहते हैं उनको 40 दिन तक भूख ही नहीं लगती है, मतलब पेट में इतना ज्यादा आम संचिति हो जाती है। फिर शुनांगतामवतस्य लक्षणम, पूरा बॉडी में ऐसा लगता है कि पूरा सुन्न पड़ गया है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो जो कोई भी सेंस है वो अपने ब्रेन तक नहीं जा रहा, ब्रेन से वहां नहीं जा रहा, मतलब सेंसरी नर्व और मोटर नर्व पूरी तरह से सुन्न नहीं होता है, लेकिन वो ब्लॉक 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 होने लगता है, उसकी वजह स्रोतोरजन्य संप्राप्ति होती है, तो ऐसा लगता है कि अंग सुन्न पड़ गए। उसी तरह से सकष्ट सर्व रोगाणम यदा प्रकृपितो भवेत, यह सभी व्याधियों में सब बहुत ज्यादा कष्ट देता है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया तो वह हार्ट अटैक आया वो इंसान तुरंत मर जाएगा, वो इतना नहीं है ये, क्योंकि आमवात है, इसका नाम ही आमवात, तो ये क्या करता है बहुत ज्यादा कष्ट देता है, कष्टपूर्ण जिंदगी बिताना पड़ता है, भले पेन किलर लीजिए या कुछ भी लीजिए। मेरे पास तो इतने बड़े बड़े पेशेंट आते हैं ना, बड़े बड़े व्याधियों वाले, उसमें आमवात रहता है, वह देखने में काम करने में बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो व्याधि से इतना ग्रसित है कि बार बार रोना पड़ता है उनको, इतना आंसू आता है, इतना आंसू आता है कि क्या बताएं। मेरे पास एक आर्मी की कर्नल एक मैडम आ रही थी, तो वो आर्मी की मतलब डॉक्टर है, MDS क्या हुआ है, लेकिन वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना ज्वाइंट्स में पेन, इतना पेन, और ठंडियों में तो इतना पेन, बारिश में इतना पेन, तो मैंने कहा कि क्यों रो रही है, ठीक हो जाएंगी, तो ये ना बहुत ज्यादा कष्ट देता है, कष्टकारी ये व्याधि रहता है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि हस्त पाद शिरो गुल्फ त्रिक जानुरु संधिशु, मतलब हाथ में, पैर में, सिर में, गुल्फ में, त्रिक प्रदेश में और जानु प्रदेश में, मतलब हाथ में ये पूरा जकड़ जाता है, उसी तरह से सिर में हो जाता है, गुल्फ संधि जो रहती है हील ज्वाइंट, हील के पास वहां पर हो जाता है, त्रिक में सेक्रल एरिया में पूरा हो जाता है, जानु मतलब नी ज्वाइंट्स में हो जाता है, और उरु संधि में हो जाता है, तो ये पूरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये पूरी तरह से जकड़ जाता है। करोति सरुजम शोथम यत्र दोषा प्रपद्यते, इसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा शोथ होता है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। सदेशो रुजते अत्यर्थम व्याविद इव वृश्चिकै, मतलब ये इतना ज्यादा पेन होता है कि जिस तरह से वृश्चिक ही, जिस तरह से बिच्छू ने काट दिया है, उतना सिवियर पेन होता है, इतना सिवियर कि क्या बताए, बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है, इतना पेन होता है। जन्यते सो अग्नि दौर्बल्यम प्रसिका रुचि गौरवम, मतलब इसमें अग्नि की दुर्बलता रहती है, अग्नि मंद है,
अभी अगर आप लोग देखेंगे कि हमारा जो मोदी जी का ये है गवर्नमेंट है, इतना बढ़िया है कि चाइना को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं रहते और कोई कमजोर रहता कोई शासक, तो चाइना यहाँ पर भी घुस जाता, पूरा उत्तर प्रदेश बिहार सबको कैप्चर कर लेता, महाराष्ट्र को कर लेता, पूरा सबको कर लेता। यहाँ पर कैसे अग्नि जो है, यहाँ का कॉन्सेप्ट कैसा है कि अग्नि अगर अच्छा रहे तो आम बढ़ेगा नहीं। मोदी जी इतने स्ट्रांग है तो वो चाइना को बढ़ने नहीं देते, और आम जो है वो विस्तारवादी नीति से है। आम और चाइना एक जैसे हैं। मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए। अपना देश का नेता अच्छा अच्छा रहे तो बाहरी शक्ति आ ही नहीं सकती है। उसी तरह से अपना अग्नि अगर अच्छा रहे तो आम उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। लेकिन लोग मिथ्या विहार करेंगे ही, उनको उल्टा पुल्टा खाना ही है, उनको बाहर का खाना ही है, रात को जागना ही है, सुबह जल्दी नहीं उठना है, दिन में सोना है, तो इसकी वजह से अग्नि उपत हो जाती है। अग्नि उपत होगी तो आम उत्पन्न होगा, आम उत्पन्न होगा तो व्याधि होगा, और फिर उसके बाद में पेशेंट को तकलीफ होगी। ये तो प्रज्ञाप्रत तो करेंगे इंसान, तो इसके वजह से अग्नि दुर्बलता हो जाती है। प्रसेक होता है, मुंह से बहुत ज्यादा लार आता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। यह भी क्यों हो रहा है, एक्सेसिव सलाइवेशन क्यों हो रहा है, यह कफ का सिम्टम है। क्लेदक कफ जो है वो विकृत हो गया है और आम वहां पर भी चला गया है कफ के स्थान में। इसकी वजह से मुंह से बहुत ज्यादा सलाइवेशन निकलने लगता है, क्लेदक कफ का द्रव गुण बढ़ जाता है। यहाँ पे आम क्योंकि प्यास लग रही है तो पानी 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 पानी, तो वो बहुत ज्यादा पानी पानी आता है, मुंह से थुकी आती है, प्रसेक होता है। फिर अरुचि आता है, शरीर में गुरुता आ जाती है, उत्साह हानिम वैरस्यम, उत्साह की हानि होती है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। पेशेंट ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि मन पे मन का भी कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको बॉडी में पेन हो रहा है, उसका सारा ध्यान तो पेन पे रहता है, स्वेलिंग पे रहता है, तो उत्साह नहीं रहता है, विरसता रहता है, मतलब उसका मुंह का स्वाद ही बिगड़ जाता है, तो कटुकास्यता रहेगा। फिर आस्य विरस्यता सब रहती है, कटुकास्यता रहेगा, तिक्तास्यता रहेगा, लवणास्यता रहेगा, मतलब उसको ना खाने खाने का मन ही नहीं करता है। फिर दाह बहुत ज्यादा होता है, अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो पित्त दूषित हुआ है उष्ण तीक्ष्ण द्रव गुण से, सर गुण से, तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा बर्निंग भी होने लगता है, लेकिन इतना बर्निंग नहीं होता है कि वातरक्त जैसा हो जाए। उसी तरह से बहुमूत्रताम, जितना वो पानी पिएगा उतना यूरिन भी होते रहता है, लेकिन वो पानी जो है पानी पिएगा तो उसको धीरे धीरे वो पचता है और बहुत ज्यादा यूरिनेशन होने लगता है। जितना यूरिनेशन करे उससे ज्यादा वो पानी पीने का मन करता है। उसी तरह से कुक्षौ कठिनताम शूलम, मतलब कुक्षी में कठिनता रहती है, थोड़ा भी खाना खा लिया ना पेट एकदम फूल जाएगा, पेट एकदम टाइट हो जाएगा, उसी तरह से शूल होगा पेट में। फिर निद्रा विपर्यम, नींद भी नहीं आती है, क्योंकि मनोवा स्त्रोतस संज्ञा स्त्रोतस इनसे में भी अवरोधात्मक संप्राप्ति हो जाती है। फिर बताया तृढ़ छर्दी भ्रम मूर्छा, बहुत प्यास लगती है, उल्टी आती है पेशेंट को, जी मिचलाता है बहुत ज्यादा, नौशिया फीलिंग होती है, क्योंकि खाना पची नहीं रहा। अच्छा अच्छा समोसा दे दीजिए, ढोकला खमंग दे दीजिए, जलेबी दे दीजिए, लेकिन पचाने की शक्ति नहीं है, कितना भी टेस्टी दीजिए उसको अच्छा ही नहीं लगता है, उल्टी आती है, भ्रम होता है, चक्कर आने लगता है उसको, मूर्छा होता है, बहुत ज्यादा पेशेंट अब बेहोश अनकॉन्शियस होने का कंडीशन आता है। हृदग्रह, रस्व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो हृदय है। जब रस्व स्त्रोतस में ही आम इतना ज्यादा है और वही सर्कुलेट हो रहा है तो हृदय में वो जाके बैठ जाएगा और ऐसा लगेगा कि जकड़ा हुआ है। आप लोगों के पास भी पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो डॉक्टर्स लोग एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो जो कार्डियक सर्जन जो रहते हैं उनके पास भेज देते हैं, ईसीजी कराते हैं, फिर उस ईसीजी में अलग अलग वो चीज देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में वो लोग का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि रस्व स्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है, तो वो लोग बीपी की दवाइयाँ फालतू में शुरू कर देते हैं अगर बीपी बढ़ा है तो, या फिर वो PQRST जो ECG कराते हैं, या वो लोग सोचते हैं ये हो गया है MI हो गया है, या फिर एंजाइना पेक्टोरिस की तरफ पेशेंट जा रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, ये होता है। वो जो डॉक्टर्स हैं उनका बात सही है, वो लोग का ये बात सही है, लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि आम आम जाके रस्व स्त्रोतस के मूल स्थान में अवरोधात्मक संप्राप्ति कर रहा है। अवरोध करेगा तो वहां पे ये हो जाएगा, इंफार्क्शन हो जाएगा, हार्ट के मसल्स को वो नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा क्योंकि रास्ता रुका हुआ है। जैसे कि रशिया का रसद अगर बंद कर दिया जाए, रशिया को कंटिन्यू सैनिक से लड़ना है तो उनको जितना भी तोप बारूद और ये सब है ना वो कंटिन्यू मिलना चाहिए, मशीन गन और टैंक और मिसाइल ये कंटिन्यू मिलना चाहिए, फिर जहाज मिलने चाहिए, फाइटर प्लेन्स मिलने चाहिए, तभी वो युद्ध कर सकता है। उसी तरह से हृदय को कंटिन्यू रस धातु का प्रीणन होते रहना चाहिए। अगर आम ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है,
अब जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो इन्फेक्शन होने लगेगा, और वो मायोकार्डियम में होगा तो इसलिए मायोकार्डियम इन्फेक्शन होने लगता है, क्योंकि वहां पे सूखने लगता है वो पूरा। और उसकी वजह से एक बलून लीजिए और बलून में एक गांठ बांध दीजिए, और उसको आप लोग देखें तो रिदम रिदम से नहीं होगा, इसलिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन में रिदमिक चेंजेस आ जाते हैं, मतलब वहां पे सूख जाता है क्योंकि नरिशमेंट नहीं मिल रहा। नरिशमेंट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहां पर अवरोधात्मक संप्राप्ति है। इसी तरह से जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें आम चला जाता है तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन ये होने लगता है, और फिर हार्ट में ब्लॉकेज होने लगता है क्योंकि अवरोधात्मक संप्राप्ति वहां पर भी हो रही है। उसी तरह से वो कहीं पर भी आम जाएगा तो पेरिकार्डाइटिस ऐसे कर देगा, वहां पे पानी पानी जमा हो जाएगा, अवरोधक अवरोधात्मक संप्राप्ति होगा, वहां पे सूजन आ जाएगा, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाएगा। तो ये जो बताया ना हृद ग्रह, एक व्यापक अर्थ में हम लोग समझे तो हमें समझ आएगा कि ये आम की वजह से हो रहा है, या आम अगर वॉल्स को खराब करेगा तो मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन होने लगता है, मतलब वॉल्स को खराब करने लगता है। अब वो आम जो है वो कैसे है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, मतलब टेररिस्ट है वो, उसमें क्योंकि संस्कार गंदे हैं, तो टेररिस्ट को आप लेके आए मंदिर में तो वो गंदा गंदा काम ही करेगा, दुराचार ही करेगा। उसी जैसे आम जो है वो अगर वॉल्स में जाके चिपक गया तो वहां पे वॉल्स को खराब करेगा, फिर मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन करने लगेगा, ट्रैक स्पीड वॉल रिगर्जिटेशन करने लगेगा, फिर वॉल रिप्लेस कराते हैं, लेकिन आम को नहीं पचाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। उसी तरह से बोल रहे हैं विड विबद्धताम, मतलब पुरुष भी अच्छे से नहीं निकल पाता है, या तो साममल प्रवृत्ति होगी या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब ये पूरा मलाशय है, पुरुषाशय है, उसको खराब कर देता है ये आम, इतना डेंजरस है। और साममल ऐसा मल प्रवृत्ति होने लगती है, फिर पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वो अगर खराब होने लगता है तो जाड्यता आती है, पूरा जो शरीर है और जो अपना पेट है वो सब कैसे जड़ पड़ जाते हैं। उसी तरह से आंत्रकूजन, वह वायु जो है वो अच्छे से नहीं निकल पाते, फिर वायु गुड़ 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 करने लगती है। उसी तरह से आना होता है, पेट हमेशा फूल जाता है, थोड़ा भी खा लिया ना तो पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है कि क्यों खा लिया, पेट में पत्थर की तरह वो जमा हो गया। उसी तरह से बोल रहे हैं कष्टानिश्चान उपद्रवान, फिर ये इसके वजह से और भी उपद्रव होने लगते हैं। उपद्रव में क्या होते हैं कि ज्वर होता है, ज्वर से उत्पन्न है लेकिन आम बात हो गया, फिर उसके वजह से ज्वर होता है, अग्निमान्दता होता है, आलस्य बहुत ज्यादा आता है, लेजीनेस आता है, लाला स्त्राव बहुत ज्यादा होता है, अरुचि होता है, गुरुता होती है, उत्साह की हानि होती है, मुख वैरस्य होता है, शरीर में दाह होता है, बहुमूत्रता होती है, बहुत ज्यादा यूरिन आता है, कुक्षी प्रदेश में काठिन्यता आती है, पूरा एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज्यादा से हार्डनेस आता है। उसी तरह से शूल होता है, हृदग्रह होता है, हार्ट में ऐसे जकड़ गया इस तरह से सिम्टम्स आने लगते हैं, मलावष्टम्भ होता है, निद्राधिक्यता ऐसे सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है उस, और वो पेशेंट जानबूझ के नहीं सोता है, उसको नींद आती ही है, क्योंकि पूरा अब नींद आने का कारण क्या है कि तम गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यदा तो मनसिक क्लांति तथा स्वपति मानवा, मतलब मन क्लांत हो जाता है तो इंसान सो जाता है, यहाँ पर आम इतना ज्यादा है कि तम गुण हो गया, आवरण जन्य संप्राप्ति बहुत ज्यादा बन रही है, इसकी वजह से संज्ञा व स्रोतस मनव स्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति हो रही है, इसलिए इंसान को बार बार नींद आती है, उसको फ्रेश नहीं लगता है। उसी तरह से आम बात में क्या होता है कि हाथ में, पैर में, त्रिक में, गुल्फ में, उरु की संधि में, सब जगह जकड़न होने लगती है, शोथ होने लगता है, शूल होने लगता है, क्रिया अल्पता होती है, मतलब जो मोमेंट्स है एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, अडक्शन, जो मॉडर्न की भाषा में मैं बता रहा हूँ, यह सब नहीं हो पाता है, हाथ को मोड़ा नहीं जाता है, अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, और एक दिन एक जॉइंट में रहेगा फिर दूसरे जॉइंट में दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा बरसात में बहुत ज्यादा होता है, बारिश में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तब हो जाता है, और ठंडी के टाइम पे या एसी में लोग जो लोग रहते हैं उनको हो जाता है, या जो लोग ना मेड पे डिपेंडेंट रहते हैं कि मेड ही सब काम करेगी, हम लोग को खाना भी नहीं बनाना है, हमको वॉशिंग मशीन में भी काम नहीं करना है, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो रहता है कि हमें कुछ काम नहीं करना है, हमें बस बैठे रहना है, ये बच्चों में भी आम बात बहुत ज्यादा फैल रहा है, मेड ही सब काम करेगी और अपने हाथ पैर नहीं चलाना है, और न जिम में जाना है, न जिम में जाना तो चाहिए, नहीं तो वॉकिंग करना चाहिए, किसी ना किसी तरह से शरीर का आयास होना चाहिए, शरीर का फिजिकल कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, या तो खेलिए कूदिए दौड़िए या कुछ ना कुछ तो करना, नहीं तो साइकिलिंग करिए या बॉक्सिंग करिए, स्विमिंग करिए, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, वह सब नहीं होगा तो क्रिया अल्पता बढ़ जाती है, सशूल क्रिया, मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल मोमेंट्स होने लगते हैं, क्रिया हानि ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं, और ये व्याधि बहुत ज्यादा अगर व्यक्त होने लगता है, अति प्रवृद्ध हो जाता है, तब ये सारे लक्षण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मॉडर्न के डॉक्टर्स आरए फैक्टर देखते हैं,
आरएफ फैक्टर पॉजिटिव आ गया, मतलब इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ऐसा अर्थराइटिस होता है, वो भी क्या पॉजिटिव फैक्टर है, तो रियोमाटाइड ऐसा बोल जाते हैं। और इसका कॉज क्या है, तो मॉडर्न साइंस बोलता है कि ऑटोइम्यून डिजीज है, खुद के सेल खुद को मार रहे हैं, इसका इलाज नहीं है। और ये आम बात बहुत दिन तक रहता है, तो संधियों को डैमेज करने लगता है, डिजनरेटिव चेंजेस करने लगता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी करता है, फिर बहुत सारे ऑस्टियोफाइट्स तैयार होने लगते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन्स उसमें भी विकृति आने लगती है, बहुत पेशेंट को तकलीफ रहती है, और पेशेंट इतना ज्यादा परेशान रहता है, इतना ज्यादा परेशान रहता है, आगे ये उपद्रव होने के बाद डिफॉर्मिटी जाती है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, पैर का जो ग्रेटर टो है उसके भाग कुछ भाग टेढ़े हो जाते हैं, कुछ बाहर अंदर आते हैं, कुछ बहुत ही बेकार कंडीशन रहती है। तो हमें इसको गठियावाद भी बोलते हैं, गांठ गांठ इस तरह से जो बोलते हैं कि नोड्यूल्स भी फॉर्मेशन होने लगता है, गांठ गठियावाद, गांठ युक्त इसमें आम संचित होने की वजह से ये होने लगता है, इसलिए इसको गठियावाद बोला जाता है। तो मैंने अपने तरफ से सब बताने का कोशिश किया, जो भी मैंने बताया मैंने मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमन अग्नि सर के नोट से बताने का कोशिश किया। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में मैंने जो चाइना का एग्जाम्पल दिया, विस्तारवादी नीति,